वही क्रिश्चियन हैं जिनकी लाइफ में सैड स्टोरीज हैं, जो रात को इतनी गहरी नींद सोते हैं कि रात को 9 बजे 10 बजे सोएंगे और सुबह 8 बजे उनकी आंख खुलती है। आप एक डेंजर जोन में जल रहे हैं, आप एक खतरनाक जोन में जी रहे हैं। ऐसे भी क्रिश्चियन हैं जो सुबह रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 7 बजे उनकी आंख खुलती। आप एक डेंजरस लाइफ जी रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि रात को डेविल एक्सचेंज करने के लिए आता है, रात को ही शैतान आपकी डेस्टिनी को एक्सचेंज करने के लिए आता है। एकदम से आप बोलते, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, अच्छा भला था लेकिन पता नहीं इसका एकदम से स्वभाव चेंज हो गया, एकदम से ये ऐसा करने लगा, क्योंकि आपने अभी तक अपनी रात वाली जिंदगी के ऊपर फतह नहीं पाई। पता नहीं मैं एकदम से सुबह उठी और मेरे पेट में गड़बड़ है, अब 4 साल हो गए मेरे लीवर में प्रॉब्लम है, अब 4 साल हो गए मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, पता नहीं रात को क्या हुआ, शैतान आया और एक्सचेंज करके चला गया, मुर्दा चीज रख के चला गया, जीवित चीज उठा के चला गया। अब आपका 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 शैतान को जूती मारने का, उसके खिलाफ उठने का, रात को प्रार्थना करने का, एक्सचेंज करने का टाइम आ चुका है चर्च यीशु मसीह के नाम। मेक श्योर आपके आपके पास हफ्ते में एक दिन या 2 हफ्ते में एक दिन ऐसा टाइम हो जब आप फुल नाइट प्रार्थना करें। आपके पास ऐसा समय हो कि आप रोज रात को कुछ घंटे, 1.5 घंटा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे आप नाइट में जरूर प्रार्थना करें। मेक श्योर जब आप सोने के लिए जाएं तो आप टीवी देखकर ना जाएं, मोबाइल देखकर ना जाएं, ज्यादा इधर उधर की बातें गपशप लगा के ना जाएं, प्रार्थना करने के बाद जाएं ताकि परमेश्वर सपने में उन चीजों को बदल सके। बाइबल कहती है सपने में ही सुलेमान के परमेश्वर आए और परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए, वो सपना देख रहे और सपने में उसे मालूम था उसको क्या बोलना है। इतना कॉन्शियस था वो, अपने सब कॉन्शियस में, अपने विवेक में इतना ज्यादा अलर्ट था कि उसे सपने में भी ये मालूम था कि मुझे परमेश्वर को क्या बोलना है। अगर सुलेमान दुनियावी होता तो मैं आपको दावा करता हूं उसे ये इनकाउंटर कभी ना मिलता, परमेश्वर सपने में उससे कभी बात नहीं कर सकते। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम को ब्लेस करना चाहते थे और कहा कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, और जब 99 ईयर का अब्राहम हो गया 75 साल से, 24 साल बाद परमेश्वर उसके सपने में आके क्या बोलते हैं, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। जैसे ही उसको परमेश्वर ने बोला सिद्ध होता जा, इसका मतलब अगर मैं आज आपके पास आकर बोलूं कि भाई ये कमियां ना अपनी जिंदगी से निकाल दे, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में क्या कमी है। आपको मालूम है मैं टीवी ज्यादा देखता हूं, आपको मालूम है नहीं मैं नशा करता हूं, आपको मालूम है नहीं मैं गाली निकालता हूं, आपको मालूम है नहीं मैं चोरी करता हूं, आपको मालूम है मेरी प्रार्थना कम है, आपको मालूम है आपकी आपकी यारी दोस्ती बहुत ज्यादा है, वो कमी आपको मालूम होती। जैसे ही अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ये कमी निकाल और सिद्ध हो जा, उसको मालूम था वो कमी कौन सी, उसने कहा ठीक है परमेश्वर। जैसे ही अपनी कमी को दूर किया, अगले कुछ ही पलों में उसको स्वर्ग दूत दिखाई देते हैं और अब उसको दिख रहा है कि ये दूत है। उसने कहा आओ मेरे घर में पधारो, खाना खाओ, जब तक खाना ना खाओ तब तक जाओ नहीं। पहले भी दूत उसके घरों में आते होंगे लेकिन वो कभी उनको पहचान नहीं पाता था। बाइबल कहती है जब दूत आपकी जिंदगी में आते हैं, बाइबल कहती है नया नियम कहता है, इब्रानियों की पुस्तक कहती है कितनों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों की पहनाई की है, कितनों ने अनजाने में, यानी उनको मालूम भी नहीं था कि मैं जिसकी पहनाई कर रहा हूं, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं, ये एक स्वर्ग दूत है, इंसान नहीं। अब अब्राहम को मालूम था कि ये स्वर्ग दूत है, लेकिन कितनी बार ऐसा हो सकता है कि वो पहले भी उसके पास आते हो और अब्राहम उन्हें पहचान ना पाता हो, उसे लगता हो राह का निकलता हुआ कोई राही है, कोई निकल रहा है, कोई मुसाफिर है जो मेरे रास्ते से निकल रहा है, कोई साथ के मोहल्ले का लोग है कि या कोई साथ के कोई शहर में जा रहा है। लेकिन अब अब्राहम को मालूम था क्योंकि उसने अपने जीवन की कमियों को जीत लिया था और उनको दूर कर दिया था। अब बाइबल कहती है रात को वो उठी, अपना मरा हुआ बच्चा रखा और जीवित उठा लिया। कितने लोग हैं जिनकी मैरिज लाइफ मर चुकी, आप खूबसूरत हैं, हस्बैंड दूसरी वाइफ के साथ है। कितने लोग हैं जिनका जिनकी बेटी उनको बुलाती तक नहीं और घर से बाहर लोगों से हंस हंस के मिलती है। कितने लोग हैं जिनके अपने घरों में कलेश है, कारण क्या, कारण शैतान है जिसने आपकी डेस्टिनी को चुरा लिया, जिसने आपकी जीवित चीजों को चुरा कर वहां मुर्दा चीजें रख दी। कारण शैतान है, कारण आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, आप ये समझते हैं कि आप जस्ट
जीसस जीसस पुकारेंगे, आप जस्ट यीशु मसीह को मान के संडे चर्च चले जाएंगे और आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। संडे चर्च जाने का फायदा यह है कि जो वचन आपको समझाया जाता है, जो फायर आप संडे रिसीव करते हैं, उसको घर जाओ और इस्तेमाल करो। आज रात को रेस्ट करके कल सुबह उठो, पर्सनल प्रेयर करो, उसके बाद कल रात सोने से पहले प्रार्थना करो, सो जाओ, परमेश्वर सपने में बात करेंगे आपसे, वो सपने में डिलीवर करेंगे आपको। जो शैतान ने चीजें मुर्दा रख दी हैं आपके पास, उन्हें जीवित करो, लड़ो उन चीजों के लिए कि वो चीजें जो मर चुकी हैं, वो रिलेशनशिप, वो फाइनेंस, कि मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा था लेकिन कुछ एक दो अटैक हुए, हाँ बिजनेस फिर से खत्म हो गया, एक दो लोगों ने मेरे खिलाफत करनी शुरू कर दी, मेरे साथ ये हो गया। आप जानते हैं शैतान हर एक व्यक्ति को अटैक करता है, लेकिन जिस व्यक्ति की लाइफ में नाइट प्रेयर है वो अटैक कामयाब नहीं हो सकता, वो अटैक कभी भी आपकी लाइफ में चल नहीं सकता। अब आपको ये बात समझनी है कि आपका चर्च आने का मकसद ये है कि आप गहरी टीचिंग को ले सकें, आप गहरी गहरे वचन को ले सके। आपने जब वचन को सुन लिया, आपको ये मालूम हो गया कि एज ए क्रिश्चियन मेरी ये ड्यूटी है। मैंने सुबह समझाया था कि वो परमेश्वर जो जीवित है, वो परमेश्वर जो औरत के द्वारा आया, वो परमेश्वर जैसा इस दुनिया में ना था ना है ना कोई होगा, वो जीवित परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसने सारी गैलेक्सियां बनाई, जिसने सारे प्लैनेट्स बनाए, जिसने सभी देखी हुई वस्तुओं को बनाया, समुद्र बनाए, आकाश बनाया, वो परमेश्वर जब चेले चुनने की बारी आती है, प्रेरित चुनने की बारी आती है, तो बाइबल कहती है लूका 6 उसकी 12 में कि वो सारी रात प्रार्थना करता है पहाड़ पर जाके, अलग जाके, और जब सुबह उठता है वो 12 प्रेरितों को चुनता है। वो परमेश्वर जो खुद परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझको बनाया और दुनिया को बनाया, जब उसने चेलों को चुनना था तो उसको भी प्रार्थना करनी पड़ी। जब उसको क्रूस पे चढ़ना था, बाइबल कहती है गतसमनी बाग में वो सारी रात प्रार्थना करता रहा। उसको मालूम था अगर मैं प्रेयर नहीं करूंगा, मैं इस दुनिया में मसीह के साथ, यहोवा के साथ, पिता के साथ नहीं चल सकता। आप क्रिश्चियन हैं, आपकी प्रेयर लाइफ जीरो है, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप कि शैतान मरी हुई चीजें रखे और जीवित उठा के लेके जाए, फिर आप रोएंगे और फिर आप फैसला करेंगे प्रार्थना करने का? पहले क्यों अलर्ट नहीं है आप? पहले क्यों आप अलर्ट नहीं? क्यों आपको, जैसे वो सुलेमान राजा के पास गई, क्यों आपको परमेश्वर के पास बार बार जाना पड़े कि परमेश्वर मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ? क्यों आपको कंप्लेंट करनी पड़े जबकि परमेश्वर ने आपको पहले ही जागने के लिए बोला है? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा जागता रहे और प्रार्थना करता रहे। मुझे मालूम है रात को सोना जरूरी है, रात को आपकी बॉडी रिपेयर होती, जब आप सोते हैं आप फिजिकली, सुबह जब उठते हैं आप फ्रेश होते हैं, लेकिन वो सोना इतना ज्यादा शैतानी नहीं होना चाहिए कि आप 9 बजे सोएं और 9 बजे आपकी आंख खुले। ये कौन सा सोना है? ये तो सोना नहीं, ये तो मरना ही है। आधा मर गए आप तो, आपने 12 घंटे सो के बिता दिए, मर के बिता दिए और कोई रिजल्ट नहीं निकाला। लेकिन जब आप रात को, आपको प्रार्थना करने की आदत पड़ जाती, आपका वेरी जब मिलता है, हाँ आओ भाई जी बैठे, जरा एक प्लान करना है, कब करना है, आ जाओ रात को 10 बजे, जब वो प्लान करने के लिए बैठते हैं और जब आप घुटने लगाने के लिए बैठे होंगे, वो मूर्ख बन जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो प्लान करेंगे रात को और आप घुटनों में बैठे होंगे रात को। इसलिए आपको किसी प्लानिंग की जरूरत नहीं। क्रिश्चियन लोगों को किसी के खिलाफ, जो आपके खिलाफ चल रहे हैं, उनके खिलाफ रातों को मीटिंग करने की जरूरत नहीं, प्लान करने की जरूरत नहीं। रात घुटने पे आ जाओ, परमेश्वर ऐसा दिमाग बांध देगा आप हैरान हो जाएंगे, वो ऐसा कंफ्यूज कर देगा आप हैरान हो जाओगे। याद रखो, हम स्पिरिचुअल तरीके के साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। बाइबल कहती है एक राजा को मालूम हुआ कि मेरे ऊपर सब तरफ से अटैक होने वाला है। वो परमेश्वर को मानने वाला राजा था, वो परमेश्वर को जानने वाला, उसे मालूम था ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। बाइबल कहती है उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया, उसने कहा सब लोग उपवास रखेंगे, सब लोग, अगर शारीरिक राजा होता तो क्या बोलता, बोलता कि आज रात जितना खा सकते हो खा लो, तगड़े हो जाओ, बकरे वाट दो, बैल वाट दो, आंडे सारे ले आओ, कुकड़ वाट दो सारे, हाँ खाओ आज चंगी तरह, पियो शराब चंगी तरह, तगड़े हो जाओ, भी हो जाओ तगड़े कॉमली लड़ना, हाँ। तो क्या होता अगले दिन, इतनी पड़ती भाग जाते वो। लेकिन वो राजा समझदार था, उसे मालूम था ना बल से ना शक्ति से उसकी आत्मा के द्वारा। क्या किया उसने? उसने कहा आ जाओ भाई, सब लोग हम फास्टिंग रखेंगे, सब लोग हम महासभा का प्रचार करेंगे, यहोवा को याद करेंगे,
सारे उसने वर्शिपर बुला लिए, उसने कहा तुम वर्शिप करो, याचकों को बोला चलो वर्शिपर्स के साथ साथ तुम चलो। जब लड़ने के लिए जाएंगे आगे वर्शिपर होंगे, वो आगे तुरियां लिए हुए, बांस लेके, वो ढोल डफली और हालेलुया के नारे लगा के जा रहे हैं। जो राजा लड़ने के लिए आ रहे थे आपस में लड़ पड़े, वो तीन ग्रुप थे आपस में लड़ लड़ के मर गए और परमेश्वर ने उनका छुटकारा किया। अरे हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम वो कौम है जिसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए खड़ा रहता है, दुश्मन को कंफ्यूज करके रखता है। आमीन ऊंचा चाहिए, हालेलुया। लेकिन इन बातों की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा छुटकारा, हमारी डिलीवरेंस एक स्पिरिचुअल तरीके के साथ होगी। अगर मैं स्पिरिचुअल तरीके के फॉलो नहीं कर रहा हूं, अगर मेरा जो तरीका है वो आत्मिक नहीं है, तो मेरा छुटकारा टेम्पररी है, मेरा छुटकारा फिर थोड़े दिनों के लिए है और वो लंबा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं अपने छुटकारे के लिए स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के बाइबल को मैंने अपना स्टैंडर्ड बनाया है, तो वो छुटकारा आप, आपके वंश, आपके बच्चे, पोते, पड़पोतों तक वो कंटिन्यू करेगा और कोई शैतान की ताकत आप पे अटैक नहीं कर पाएगी। आमीन, आमीन।